आज हम लाए हैं हल्दीराम का ये नान पिज्ज़ा। देखने में तो अच्छा ही दिख रहा है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये देखिए, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, कुकिंग कैसे करनी है सब कुछ इसमें लिखा पड़ा है। चलिए तो इसे शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है ये। क्या ये तो सूखा हुआ दिख रहा है, काट के इसको चेक करना पड़ेगा। ये तो पत्थर जैसा है। अब इसे हम क्या करेंगे, अब इसे हम ओवन में कुक करेंगे। देखते हैं फिर इसके बाद इसका रंग कैसा दिखता है। चलिए तो शुरू करते हैं। ये हमने रख दिया, टेम्परेचर हमने सेट किया और ये देखिए गर्मा गर्म तैयार हो रहा है। देखने में तो काफ़ी स्वादिष्ट है, लेकिन इसका स्वाद इसका खाने के बाद ही पता चलेगा। तो आगे बढ़ते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कितना समय इसको लगता है पकने में। देख रहे हैं किस तरह से इसमें बबल्स निकल रहे हैं ये, और इसकी चीज़ मेल्ट हो रही है। वाकई में ये बहुत ही टेस्टी दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम इसमें ये क्या। बस ये तो बनके तैयार होने वाला है, अब इसे खाएंगे। ये निकाल लिया हमने इसे, अब इसे हम अपनी थाली में रखते हैं और इसे कट करने की कोशिश करते हैं। ये हमने इसमें लगाए छुरा कट, और ये काटा और ये एक और काटा। काटने तो बहुत मजबूती से ही कट गए हैं, अब इसके बाद हम इसे खाएंगे। बिल्कुल सेम टू सेम बोले तो मजा आने लाइफ। खाओ पियो टेस्ट करो और हल्दीराम को रेट करो। देखो हल्दीराम की चीज़ें किस तरह से मार्केट में बिक रही हैं। ये देखिए मजबूत वाले ठोस, इसे हम ठोक के देखते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूले भाई, लाइक तो कर ही देना। एक लाइक करने से इस पिज़्ज़ा का स्माइल तो देखो निकल निकल के बाहर आ रहा है। ये मैंने खा के देखा, कुछ खास तो नहीं लेकिन ये बहुत ही टेस्टी है। आप भी ट्राई करके बताना और इसकी चीज़ को रेट करना। क्या है ये, अरे ये तो पनीर है। ये देखिए एकदम लापालाप निकल के आ रहा है इसमें से मटेरियल। ये देखिए हमने से तोड़ा, स्वाद आ गया देखते ही। किस किस को खाना है जल्दी से इस वीडियो को आगे बढ़ते हुए खाते जाएं। ये हमने उठाया लास्ट और इसे भी हम खाने जा रहे हैं। देख सकते हैं सुंदर तो दिख ही रहा है। ये बचा छोटा सा मटेरियल, इसे भी हम खा डालेंगे। देखने में मजबूती से भरा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो ख़त्म करते हैं। बस ख़त्म हो गई।